सब्सक्राइब कीजिए जी किसान चैनल को किसानी संबंधित वीडियो यूट्यूब पर देखने के लिए। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं हाइब्रिड सरसों 41D46 के बारे में। हम आज बात करेंगे क्या है 41D46 सरसों, इसकी क्या है वैरायटी, इसकी वैरायटी से क्या है फायदे, कितने बीघे में हम कितने सरसों का बीज ले सकते हैं, इन सब पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको अपना चैनल जी किसान पर। किसान भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दिख रही लाल कलर के बटन को दबा दें और पास में दिख रही घंटी के आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको खेती किसानी से जुड़ी जानकारी समय समय पर आपको मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं, क्या है 41D46 सरसों। तो दोस्तों 41D46 सरसों हाइब्रिड सरसों आती है, जो धनलक्ष्मी सीड्स कंपनी का ये सरसों आता है, जिसको किसान भाई मार्केट में 41D46 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस वैरायटी के क्या है फायदे। तो दोस्तों धनलक्ष्मी 41D46 जो हाइब्रिड सरसों आता है, उसके में तेल की मात्रा अच्छी होती है और दाने चमकीले वे वजनदार होते हैं। ये पैकेट आपको 1 किलोग्राम में मार्केट में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों बात करते हैं इस वैरायटी की किसानों को कैसे फायदे दे सकती है। तो दोस्तों इसकी हाइट होती है वो 5 से 5.5 फीट होती है, फलियों का आकार लंबा मोटा दाना होता है, दाने की संख्या 14 से 15 प्रति फली होती है, रोगों या बीमारियों से लड़ने की बहुत ही अच्छी यह सहनशील है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 41D46 हाइब्रिड सरसों का आप कितने बीघों में कितना बीज ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको 1 किलो से 1.5 किलो बीज प्रति बीघे के हिसाब से लेकर के बुवाई करनी है। तो किसान भाइयों आपको धनलक्ष्मी सरसों का बीज है वो रिसर्च में भी उपलब्ध है, 23D23 और 23D25 नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है।